खगड़िया जिले के संविदा पर बहाल हुए संविदा कर्मी 17 जनवरी से काला बिल्ला लगाकर 31 जनवरी तक कार्य करेंगे। कालाजार टेक्नीशियन सुपरवाइजर राजेश कुमार ने बताया कि जो लोग करीब 14 वर्षों से संविदा पर बहाल हुए थे, उन लोगों को अभी तक समान वेतन समान अधिकार का लाभ नहीं दिया गया है। समान अधिकार न मिलने के कारण संविदा कर्मी काला बिल्ला लगाकर स्वास्थ्य केंद्र बेलदौर में कार्य करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ के लिए गए निर्णय के आलोक में प्रखंड क्षेत्र के सभी स्वास्थ्य संविदा कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर स्वास्थ्य केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन कर पूरे दिन काम किया। उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान समय में कोविड संक्रमण से सभी संविदा कर्मी कार्यरत भयमुक्त होकर मानवता को बचाने के लिए अपनी सेवा लगातार दे रहे हैं। अनेकों बार सरकार और संघ के बीच लिखित मौखिक उनकी मांगों की पूर्ति के लिए आश्वासन भी दिया गया, पर अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। संविदा कर्मियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई लाभकारी योजना भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। लगातार हो रही अनदेखी से संविदा कर्मी उग्र होने की कगार पर है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए सुदर्शन कुमार की रिपोर्ट। हम लोग संविदा कर्मी लगभग 12 साल 14 साल से कार्यरत है। चौधरी कमेटी का गठन किया हुआ 10 साल हो गया। उन्होंने सरकार को अपना रिपोर्ट भी सौंप दी, जिसमें सारी रिपोर्ट को बिहार सरकार ओपन नहीं किया। उसके बाद 15 अगस्त 2018 को मुख्यमंत्री झंडोत्तोलन के समय में जो घोषणा किए थे, आज से संविदा कर्मी अपना आप को गुलाम नहीं समझे, स्वतंत्र हो जाए। अभी तक हम लोगों को स्वतंत्र कागज पर नहीं दिया गया है स्वतंत्रता, ना ही व्यवहारिकता में। कभी भी किसी साथी के साथ कोई भी बात होती है जो मुआवजा होना चाहिए, वो मुआवजा नहीं मिलती है। और हड़ताल का कारण एक ही मांग है, सारे संविदा कर्मी का एक ही मांग है, नियमितीकरण और वेतन मांग।